जब मैं थर्ड ईयर के बाद ग्रेजुएट हुआ, आई हैव नो ऑप्शंस, क्योंकि मैं केमिस्ट्री ऑनर से ग्रेजुएट था, कोई रिलायबल ऑप्शंस चाहिए था मुझे। मैंने देखा एमसीए एक बेटर ऑप्शन है, मेहनत करेंगे तो पक्का सीट मिलेगी मिलेगी। एक टाइम ऐसा आया कि स्कोर्स डाउन हो रहे थे, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। चलिए एक और टॉपर से मिलते हैं, तुषार से, जो कि दिल्ली से हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक 55 है और इनको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ। तो तुषार, सबसे पहले तो एनआईटी त्रिची और 55 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो तुषार ने ड्रॉप जरूर लिया था, पर मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जब फाइनल ईयर में थे, जब इनको पता ही नहीं था, उसके बाद इनको समझ में आया और इन्होंने एक साल बहुत मेहनत से प्रिपरेशन की और आज ऑल इंडिया 55 रैंक है। तो तुषार, आपकी जो सक्सेस जर्नी है, एंटायर सक्सेस की है, मैं चाहूँगा आप बताएं। गुड इवनिंग जेंटलमैन, माई नेम इज़ तुषार नंदा, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव सिक्योर्ड AIR 55। जब मैं थर्ड ईयर के बाद ग्रेजुएट हुआ, आई हैव नो ऑप्शंस, क्योंकि मैं केमिस्ट्री ऑनर से ग्रेजुएट था। ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स IIT बॉम्बे में थे, IIT दिल्ली में थे, बट मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं मास्टर्स में जाऊँ। दूसरा ऑप्शन था कि गवर्नमेंट जॉब्स में देखूँ, और ऑप्शन था कि मैं अपने पैशन की तरफ जाऊँ, जो कि मेरा आर्म फोर्सेज पैशन था। बट आर्म फोर्सेज का इंटरव्यू निकालना अपने आप में ही एक और अलग सी बात होती है, तो साइड वाइज मैं वो भी देख रहा था, बट अगेन कोई रिलायबल ऑप्शन चाहिए था मुझे। मैंने देखा MCA एक बेटर ऑप्शन है, उसका पेपर का लेवल देखा, दैट वॉज नॉट दैट मच हार्ड, एवरेज काइंड ऑफ, बट हाँ मेहनत करेंगे तो पक्का सीट मिलेगी मिलेगी। ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने FBatch ज्वाइन करा था, ऐसे ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई, रेगुलर टेस्टिंग करते गए। एक टाइम ऐसा आया कि स्कोर्स डाउन हो रहे थे, बट वही एनालिसिस करके सीखा कि ये डाउन हो रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि इजी टेस्ट में मैंने लो स्कोर करा है, जो टफ टेस्ट आया उसमें थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा स्कोर करा है। तो ये अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, बट कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, लग ही नहीं रहे, बट उसको जब एनालाइज करेंगे, बोले पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद नहीं लग रहे, तो वो सीखना है। वहाँ पे सीखने के बाद एट द एंड प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी डील करेगी वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे। जो अच्छा प्रेशर खेल जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम में, वो रैंक निकाल लेगा, दैट्स ऑल। देखिए तुषार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि पहली चीज़ तो देखिए BSc केमिस्ट्री से किया था। कई लोग जो BSc केमिस्ट्री या फिजिक्स से करते हैं, अक्सर वो IIT जेम वगैरह देने का सोचते हैं, और वो कई बच्चे मुझसे पूछते भी कि सर BSc केमिस्ट्री से किया, क्या मैं NIMCET के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। तो BSc फाइनल ईयर तक कन्फ्यूजन था, पर फिर बाद में डिसाइड किया कि क्या करना है। और देखिए टेस्ट में अप डाउन्स आए, पर उन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुषार ने बोली, कई बच्चे इस बार जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वो केवल टेस्ट पेपर में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए उनकी रैंक बिगड़ी। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर एनालिसिस है, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो 2 घंटे आप जब एग्जाम देते हो, उस समय आपका क्या माइंडसेट है और उस समय आप क्या सोचते हो, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो तुषार, जैसे आपको तो थोड़ा देर से समझ में आया, फिर आपने ड्रॉप भी लिया, पर आप अपने जूनियर्स को और जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? माइंड क्लियर रखना है ड्रॉप लेने से पहले। इफ़ यू हैव दैट गट्स कि मैं निकाल के रहूँगा, आधा अधूरा गट्स लेके नहीं, पूरा, कि मुझे निकालना ही है पेपर, कुछ भी हो जाए आपका पेपर निकलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। नहीं भी निकलता, जो ज़िंदगी आपको चांस दे रही है कि आप और अच्छा करो, आप वो प्रेशर झेलो और आगे उनसे निकलो जो वो सीट निकाल गया, पर आपको और प्रेशर में झेल के ऊपर वाला देखना चाहता है कितना झेल सकते हो। वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। तो देखिए तुषार ने काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बातें बोली। तो तुषार, एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, NIIT त्रिची में भी आप ऐसे ही परफॉर्म करें। थैंक यू।